नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक किचन की डिजाइन दिखाता हूँ। देखिए, ये किचन है। किचन जब फोकस कर रखा है मैंने ब्लैक एंड वाइट, जैसे देख सकते हैं ब्लैक काउंटर टॉप है किचन का और वाइट फर्नीचर है, और ये जो ट्रॉली का आप देख रहे हैं बीच में, ये ब्लैक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें लाइटिंग का भी सिस्टम है। देखिए, अगर आपको ये ब्लू दिख रहा है किचन, अब इसको प्लेन में देखेंगे तो देखिए ये ऐसा किचन है। तो एक लाइट आप चाहे तो कोई भी कलर की लगा सकते हैं और अपना किचन का ये चीज आप कर सकते हैं। अब मैं लाइट लगाता हूँ ताकि उससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और ये जो किचन है ये देख सकते हैं, अब रियल कलर इसका ये है नाइट्रोजन। और साइड में जो टाइल्स देख रहे हैं, ये टाइल्स पूरी ग्रे कलर की लगाई हुई है। टाइल की साइज है 1 फीट बाई 1.5 फीट की टाइल्स है, और इसके बीच में 3 mm का ये स्पेशल जोन देके, ये जोन देके इसमें ग्राउटिंग कर रखा है। और ये पानी का भी आप देख सकते हैं, अगर क्योंकि किचन में ये चीज चाहिए पानी के लिए, तो ये देख सकते हैं पूरी किचन की जो टाइल है वो सभी एक ही पैटर्न की है। पहले किचन की टाइल्स देख लीजिए आप, और ये देख लीजिए ये 2-in-1 है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट टेबल भी इसको बना सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ बैठ के सब्जी भी काट सकते हैं। और जितना भी ये पट्टी गया है इसको सबको 45 डिग्री कटिंग करके, ये 45 डिग्री कटिंग करके ये पूरा मैच किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं पूरा। और अब मैं चीज दिखाता हूँ, सिंक भी देख सकते हैं आप पूरा। और ये जो देख रहे हैं सिंक, ये सिंक के 4,500 रुपये दिए थे। और ये जो फर्नीचर देख रहे हैं आप टोटल, तो इसके अंदर क्या है, ट्रॉली बास्केट ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सब ये जो देख रहे हैं, इसका एक का जो खर्चा आया था लगभग 800 रुपये इसका एक का पड़ा था। तो ये जो टोटल इसमें 3, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आइटम के ये जो एसेसरी है। और इसके अंदर एक और है, ये कॉर्नर का भी आप आइडिया ले सकते हैं, ये कॉर्नर का भी। तो ये कॉर्नर सभी मिला के इसमें जो एसेसरी थी, बास्केट जाली ये सब मिला के 18,000 रुपये इसमें एसेसरी किया है। और इसमें फिर ये सी एंगल ये सब अगर आप फर्नीचर और ये करवाते हैं ये चीज़ें, तो आपको इसमें जो ये चीज़ दिख रही है, ये और ये और ये बॉक्स, टोटल मिला के 50,000 रुपये का इसमें खर्चा होगा। ये फर्नीचर का, माइका का और लगाने का, लेबर वेबर सभी मिला के। तो अभी देखिए इसमें तो क्या चीज़ है, ये चीज़ देख सकते हैं आप, ये खाली सेल्फ है। इसमें सेल्फ रखा के ये डोर लगा दिया, तो इसमें ट्रॉली का कोई खर्चा नहीं है। अब किचन प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं, सब जगह आप देखते हैं कि 24 इंच ऐसा 24 इंच रखते हैं, लेकिन इसको मैंने 26 इंच रख रखा है, 2 इंच एक्स्ट्रा कर रखा है, ताकि कोई भी जैसे ये गैस है आपका, गैस में यहाँ पे जगह भी चाहिए थोड़ी, तो उसके लिए ये 26 का रख रखा आपके जगह के हिसाब से देख लेना। क्योंकि अगर 26 नहीं मिल रहा है तो आप 24 लगा सकते हैं। और 26 लगाने का एक बेनिफिट और चीज़ देख लीजिए, ये जो सिंक हम लगाते हैं कटिंग करके, यहाँ पे थोड़ी जगह रहनी चाहिए, अगर यहाँ आ जाता है तो ये पट्टी टूट जाती है बाद में फ्यूचर में। और जो भी आप सिंक फिट करें तो ये देख सकते हैं पूरा इसको बिल्कुल ही सील करके पैक करें, ताकि पानी नीचे नहीं गिरे। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं। तो इस किचन में अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, अगर फर्नीचर टाइल्स ये सभी मिला दें, तो ये काउंटर, ये जो ग्रेनाइट देख रहे हैं इसके मैंने 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट के दिए थे। और ये पार्टीशन भी देख सकते हैं, खड़ा पार्टीशन इसमें 2 पीस लगाए हुए हैं, एक खड़ा पार्टीशन ये, और ये चीज़ आप देख सकते हैं। और ये जो नल की जो फिटिंग कर रखी है, ये जगुआर की फिटिंग कर रखी है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये टाइल्स का भी आप देख सकते हैं, टाइल्स के 30 रुपये दिए थे, और मैट फिनिश टाइल है ये, और ग्रे कलर की टाइल है। अब स्टोरेज भी देख सकते हैं, स्टोरेज कम है, तो फर्नीचर का बहुत कम काम करवा के ये चीज़ कर रखी है। अगर आप दूर से इसको किचन को देखते हैं तो क्या व्यू आता है, ये देख सकते हैं आप पूरा, ये किचन का व्यू रहेगा। तो टोटल क्लियर हो गया। देखिए ये जो लाइन है, ये इसका मेजरमेंट है 18 फीट ऐसा है, और ये 16 फीट ऐसा है,
तो 16 फिट बाई 18 फिट का ये किचन है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।